نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني علمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي اللهم اللهم في في الدين الدين زدني علما امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله सूर्य ال عمران की हमने आयत नंबर 41 तक मुकम्मल कर ली थी ठीक है हमारा रुकू भी मुकम्मल हो चुका था अब इंशाल्लाह हम सूर्य आले की आयत नंबर फोर्टी टू से बिगिन करेंगे टू से अब जो आयते हैं वो मरियम सलाम के ताल्लुक से इससे पहले हमने देखा था मरियम सलाम की पैदाइश का वाक्य और फिर ने औलादा की ठीक है अब हम आते हैं आयत नंबर फोर्टी टू की तरफी वस्तफ़ा की आलआल बहुत सिंपल आयत है छोटे छोटे अल्फाज हैं इसके अंदर <coughs> चले इन शुरू करते हैं बिस्मिल्लर व इज ठीक है अब हम जानते हैं कि व का तर्जुमा क्या है इसका तर्जुमा क्या है कौलत मलाई का ये सब आप पढ़ चुके हैं ठीक है तो हम सबसे पहला वर्ड लेते हैं वाओ वो क्या है वाओ कंजंक्शन है वाओ अतफ है, ठीक है और वाओ का तर्जुमा क्या होगा और या फिर एंड इंग्लिश में एंड और उर्दू में और का तर्जुमा होगा ठीक है यानी और. इस, इस, हमने आपको बताया था इस, दोनों का तर्जुमा क्या होता है जब वेन ये हमने आपको टेस्ट पेपर में भी ये सवाल किया था और इजन का तर्जुमा क्या होता है तब ठीक है तो हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है इज इज अच्छा बेसिकली और इजा में फर्क यह है कि दोनों का तर्जुमा तो जब होता है पास्ट के लिए यूज होता है माजी के लिए और इजा जो होता है फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए यूज होता है ठीक है यानी हाल या मुस्तबिल के लिए इजा यूज होता है और इज जो होता है पास्ट यानी माजी के लिए यूज होता है खैर हमें तर्जुमे से मतलब है तो इज इस और इजा दोनों का तर्जुमा क्या होगा जब व और इस जब यानि ये पिछले वाक्य के बयान वाक्य को बयान किया जा रहा है तो जब ये पास टेंस की बात होगी माजी की बात होगी ठीक है इस और जब मलाई का, देखें इसी तरीके की कंडीशन इससे पहले भी आ चुकी है कि ता के नीचे जेर लगा हुआ है ठीक है लेकिन ये ता के नीचे जेर नहीं है ये सिर्फ रेसिटेशन के लिए है रीडिंग के लिए एक्चुअली में ये वर्ड था कौलत क्योंकि मलाइका जो है फीमेल है मलाइका जो वर्ड है वो फीमेल है मलाइका फीमेल नहीं है मलाइका जो लफ्ज है क्योंकि गोलता पर एंड हो रहा है ये फीमेल वर्ड है तो इसके लिए क्या आना चाहिए जमीर ताकि ऊपर सुकून आना चाहिए अब अगर हम यूं लिख दें औथ मलाइका इस तरीके से हम लिख दें तो क्या हम इसको पढ़ सकते हैं दो सुकून को एक साथ नहीं पढ़ सकते दो दो सुकून दो जगह पर अगर कोई हरकत नहीं होगी दो एक्टिव वर्ड नहीं होंगे दोनों तो इनएक्टिव वर्ड होंगे तो हम उसको पढ़ नहीं सकते तो हम क्या करते हैं पहले एक्टिव आ, पहले वर्ड को एक्टिव बनाते हैं ताकि वो पढ़ सके पढ़ने में आसानी हो जाए कॉल अब इ, इसको हम कॉलत अगर पढ़ लेंगे तो अलमलाई मलाई का फिर अलग हो जाएगा लेकिन एक फ्लो होनी चाहिए लफ्ज टूटने नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं ये कौलख कौल्थ को क्या बना देते हैं कॉलती इसके नीचे जेर लगा देते हैं ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो जाए लेकिन ओरिजिनली ये है क्या कालत तो ये याद रखें ये ता के नीचे जेर सिर्फ पढ़ने के लिए आई है असल में वो कौलत है व और इज कालत कहा ये इसके रूट लेटर है पॉल, पॉल, पॉल का मतलब क्या होता है कहना तो कौलत मतलब कहा क्योंकि पास्ट टेंस है ना सेड सेड का तर्जुमा होगा कहा किसने कहा अल मलाइकतु। किसने कहा फरिश्तों ने कहा मलाई का इसका सिंगुलर क्या है मलक मलकुन, उन मलाई कत। मलाईक मलक मतलब एक फरिश्ता और मलाई यानी बहुत सारे फरिश्ते रूट लेटर क्या है इसके मीम, लाम काफ मीम, लाम काफ मलक मलक मतलब एक फरिश्ता हाँ जी तो क्या कि, अब किससे कह रहे हैं फरिश्ते वह और इस जब कौलत कहा अलमलाई तो फरिश्तों ने कहा क्या कहा किससे कहा या मरियम या और मरियम दो लफ्ज हैं या हम जानते हैं या का तर्जुमा क्या होता है ओ इंग्लिश में ओ या ओ या फिर उर्दू में हम कहते हैं ए ठीक है या का मतलब होता है ए ठीक है या अल्लाह हम कहते हैं ना ए अल्लाह ओ अल्लाह या अल्लाह तो या का मतलब होता है ए मरियम मर्यम मरियम का नाम है ए मरियम जब और जब कहा मलाइका ने फरिश्तों ने या मरियम ए मरियम इन इन्न, इन्ना का भी तर्जुमा आपको पता है ठीक है हम चार वर्ड पढ़ चुके हैं इससे मिलते जुलते इन्ना अन्ना एंड इन और अन ठीक है तो इनका इन्न, इन्ना का मतलब होता है बेशक इंडीड बेशक या इंडीड अन्ना का मतलब क्या होता है बेशक या फिर के दो तर्जुमे होते हैं अन्ना के इन का तर्जुमा होता है अगर इफ और अन का तर्जुमा क्या होता है के दैट तो ये इस, ये आ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ठीक है इंडीड इंडीड और के दैट इन मतलब इफ अगर और अन मतलब के दैट ठीक है तो ये हमने चारों वर्ड पढ़े थे अब यहाँ पर कौन सा वर्ड आ रहा है इन्ना अच्छा हाँ किसी ने हमसे सवाल पूछा था अन्ना के ताल्लुक से ठीक है अन्ना और हमने एक वर्ड, वर्ड और पढ़ा था अन्ना लकी हादा जो कि अभी फिर आएगा ठीक है तो यहाँ पर देखें कि इन वो अन्ना कैसा है लिखा हुआ ये अन्ना इस तरह से है और एक अन्ना हमने इस तरह से पढ़ा दोनों का डिफरेंट तर्जुमा याद रखें दोनों का तर्जुमा अलग है अन्ना बगैर या के है ये तो इसका मतलब क्या है दैट के बेशक इंडीड ये तर्जुमा है लेकिन अन्ना का ये वाले अन्ना का जो या के साथ है और खड़ी जबर के साथ है तो इसको अन्नी नहीं पढ़ेंगे हम अन्ना ही पढ़ेंगे ठीक है तो अन्ना पड़ेंगे क्योंकि खड़ी जबर के साथ है और अन्ना का मतलब होगा कहाँ वेर ठीक है तो ये क्वेश्चन के लिए आता है सवाल के लिए आता है और ये जो ऊपर वाला अन्ना है ये सर्टेनिटी यानी किसी बात में वजन पैदा करने के लिए या जुमले को जोड़ने के लिए आता है ठीक है तो याद रखें दोनों में फर्क क्या है ये अन्ना इस तरह लिखा जाएगा और एक अन्ना इस तरह लिखा जाएगा ये सवाल के लिए है कहाँ वेर और ये किसके लिए है बेशक के लिए बेशक इंडीड के सर्टेनिटी के लिए सवा बात में जोर पैदा करने के लिए अच्छा जो अभी आए हैं हम एक मरतबा रिपीट कर देते हैं अः वह और इस ये सारे वर्ड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम यहाँ तक आए हैं ये भी सारे वर्ड आपको पता ही होंगे व और इस जब और जब औलत ये ता के ऊपर सुकून है लेकिन ये पढ़ने के लिए नीचे जेर लगा दिया गया ताकि इजीली पढ़ा जा सके दो सुकून को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता इसीलिए हम एक को जेर बना देंगे और जब कहा अल कतु फरिश्तों ने या मरियम ए मरियम या ए मरियम मरियम अन इन्ना इन्ना का मतलब होता है बेशक इन्ना मतलब बेशक ठीक है इन्ना बेशक इंडीड अल्लाह अल्लाह ने बेशक अल्लाह ने क्या किया है इस्तफा की 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 वस्तफा की इल आले। अब हमने आपको बताया था इस्तफा वर्ड पहले भी आ चुका है मुस्तफ़ा मुजतबा दो वर्ड आएंगे आप सल्लाह के नाम है ना मुस्तफ़ा मुजतबा तो दोनों का मतलब क्या होता है चुना चुना हुआ चुना हुआ ठीक है चोजन वन चोजन वन मुस्तफ़ा और मुजतबा दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है चोजन वन चुना हुआ तो हम ये जानते हैं मुस्तफा मुश्ता दोनों का वर्ड का मीनिंग है चुना हुआ तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वही इस्तीफा ही आ रहा है ना मुस्तफ़ा से ही बना ये वर्ड इस्तीफा रूट लेटर क्या है इसके स्वाद पा वाव सफो इसका मतलब है चुन लिया उसने चुन लिया किसने अल्लाह ने चुन लिया बेशक अल्लाह ने चुन लिया स्वाद फाओ इसके अंदर तो है जो है वो रूट लेटर का इंक्लूजन नहीं है उसमें ठीक है स्वाद फा वाओ स्वाद, पा वाओ। इस तपा की, स्वाद, पा वाओ, स्वाद का मतलब होता है चुनना किसको चुन लिया की की क्या है यहाँ पर अटैच प्रोनाउन है देखें जब से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालुक से पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे अलई का किताब नाजिल की अलई का आप पर तो का अगर जबर के साथ होगा तो क्या होगा मेल के लिए होगा की काफ़ जो है अगर जेर के साथ होगा तो फीमेल के लिए होगा मैंने आपको ये भी बताया था ना जब आप ज़ज़ाक अल्लाह कहते हैं जजाक अल्लाह ठीक है मतलब आप किसी मेल को कहेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह और जब का के नीचे जेर लगा देंगे आप कह देंगे जजाकिल्ला तो किसके लिए हो जाएगा फीमेल के लिए हो जाएगा अगर आप किसी एक शख्स को सलाम करना चाहते हैं आप ऐसे कैसे आ, कह सकते हैं वालेका ठीक है वाले यानी तुम पर सलामती हो और अगर किसी फीमेल को कहना है आप कह सकते हैं वालेकी तो का और की का फर्क है का मेल के लिए हो जाएगा की फीमेल के लिए हो जाएगा जजाकल्ला जजाकल्ला ठीक है तो यहाँ पर इस्तीफा की यानी किसी फीमेल की बात हो रही है और फीमेल कौन है मरियम सलाम तो यहाँ पर कहा अल्लाह ने क्या किया चुन लिया की तुम्हें आपको मरियम सलाम को तुझे चुन लिया तुझे तुम्हें ठीक है और क्या किया व फिर से आ गया वाव हरफे अतफ है कंजंक्शन है इसका तर्जुमा होगा एंड या फिर और वहरा और, की एक तो क्या किया अल्लाह ने चुन लिया तुझे व और और क्या किया तह, तहरा, तहारत से बनाए इसके रूट लेटर क्या होंगे तोय हारा तहारा का मतलब होता है पाक कर देना ठीक है पाक कर दिया पाक कर दिया अल्लाह ने एक तो चुन लिया तुझे और पाक कर दिया की दोबारा से किया गया अटैच प्रोनाउंस अमीर मुतसिल तो तुझे पाक कर दिया चुन लिया तुझे और पाक कर दिया तुझे है ना हैज चोजन यू अल्लाह हैज चोजन यू एंड प्योरिफाइड यू तो प्योर कर दिया पाक कर दिया और चुन लिया ठीक है वस्तफा की दोबारा सेम वर्ड आ रहा है व व का तर्जुमा होगा और या एंड कंजंक्शन है अतफ है, ठीक है यानी और, इस्फा की दोबारा सेम वर्ड वाव। 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 सफू मतलब चुन लिया चुन लिया चोजन यू चुन लिया की तुमको तुझे आपको ठीक है आप कुछ भी कह सकते हैं की फिर से ये फीमेल के लिए आ गया अटैच प्रोनाउन जमीर मुतसिल जमीर मुतसिल का और नाम हमने आपको बताया था फाइली जमीर या प्रोनाउन भी आप उसको कह सकते हैं ठीक है बेशक अल्लाह अल्लाह ने क्या किया चुन लिया तुझे और पाक कर दिया तुझे और चुन लिया तुझे दो दो बार चुन लिया तुझे और एक बार एक बार पाक कर दिया तुझे व और इस जब कौलत कहा अलमलाई का फरिश्तों ने या मरियम ए मरियम इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ने इस्तफा चुन लिया कि तुझे व और तर पाक कर दिया कि तुझे व और इस्तफा चुन लिया कि तुझे कहाँ पर चुन लिया अलन आलमीन अला अला क्या है हरफे जर है हरफे जर प्रपोजिशन है अला का तर्जुमा क्या होता है पर ऑन अपॉन ठीक है तो यहाँ पर ऑन अपॉन ओवर ठीक है पर किस पर निसा इल आलमीन निसा इल आलमीन निसा हमने कहा था इमरा अतुन इम्र अतुन का प्लूरल फॉर्म है निसा, सूर्य निसा हम जानते हैं ना एक सूर्य का नाम है इमरा मतलब एक औरत और निसा का मतलब क्या होगा औरतें औरतों प्लूरल फॉर्म है इसके रूट लेटर है नून सीन वाओ नून सीन वाओ इमरा मतलब एक औरत और निसा मतलब औरतें निशा उन औरतें और, और इमराअ उन मतलब एक औरत अम, आ, क्या हो जाएगा इसका तर्जुमा औरतों पर ठीक है और तुर, उल्टा तर्जुमा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि अला हरफे जर है तो जब भी कोई हरफे जर आ जाए तो उर्दू में हम तर्जुमा क्या करते हैं उल्टा कर देते पहले आगे के वर्ड को पढ़ लेते हैं और फिर हरफे जर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा औरतों पर औरतों पर चुन लिया कौन सी औरतों पर अलआलमीना यह रबालमीन आलमीना, रब आलमीन। आलमीना वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं है ना ये नू असलम तमाम लोगों को चुन लिया अल्लाह ने तमाम जहाँ के लोगों पर ठीक है तो अल आलमीन रूट लेटर क्या है आइन लामीन आलम का मतलब होता है जहान एक जहान वर्ल्ड ठीक है और एक जहान और आलमीना ईना लग गया तो ऊना और ईना लगता है तो क्या होता है प्लूरल बन जाता है जमा हो जाता है आलमीना मतलब जहानों ठीक है और अल से शुरू हो रहा है मतलब खास है अल का तर्जुमा इंग्लिश में द होता है उर्दू में तर्जुमा नहीं होता उसका ठीक है और ये क्या करता है आम को खास बना देता है कॉमन को प्रॉपर बना देता है और नकिरा को मारिफा बना देता है ठीक है हाँ जी वह और इस दफा चुन लिया कि तुझे अलापर किस पर निशा पर औरतों पर कौन सी औरतों पर तमाम जहानों की औरतों पर तो हम तर्जुमा ऐसे करेंगे तमाम जहाँ की औरतों पर उल्टा तर्जुमा तमाम जहाँ की औरतों पर तुझे चुन लिया है ठीक है अब गौर से देखें पूरी आयत को वाह और इस जब औलत ये ताको ताके नीचे जेर नहीं है अभी हम टुकड़े करके पढ़ रहे हैं तो ताके ऊपर सुकून रखें क्यों क्योंकि मलाई का जो वर्ड है वो फीमेल वर्ड है और जब फीमेल वर्ड तो आता है तो औलत आता है और जब मेलवर्ड तो आता है तो काला आता है ठीक है हाँ जी और इस जब पौलत कहा फरिश्तों ने क्योंकि ये प्लूरल है, फरिश्ते कहेंगे हम या मरियमो या मरियमो मरियम ए मरियम मर्यम, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ने इस दफा चुन लिया की तुझे बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुझ तुझे, तुझे व और तहरा पाक कर दिया कि तुझे व और इस दफा चुन लिया कि तुझे अला पर किस पर निसा औरतों पर कौन सी औरतों पर अल आलमीना तमाम जहाँ की औरतों पर यानी तमाम जहाँ की औरतों पर मरियम सलाम को अल्लाह ने क्या दी बुलंदी दी उनको तहारत उनको पाकिता की उनको चुन लिया ठीक है हमने देखा था ना अल्लाह रबुल्जत ने क्या किया था बेकबूल इन हसन उनको कबूल किया बहुत अच्छी तरह कबूल किया और किफालत कैसे की और वो भी हसनन यानी बहुत अच्छी तरह उनकी किफालत भी की तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान ने मरियम सलाम को क्या किया अपने अपने काम के लिए चुन लिया और उनको पाक कर दिया पाक कैसे कर दिया लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाए अल्लाह सुबहान तला ने उसकी पाकी का क्या किया गवाही दे दी कुरान के अंदर कि मरियम सलाम क्या थी पाक बाज औरत थी ठीक है और अल्लाह सुबहान तला ने जो ईसा की पैदाइश हुई है वो कैसे हुई है कलमाए हुई है किसी बुरे फेल की वजह से नहीं हुए जिस तरह से यहूदियों ने मरियम के ऊपर इल्जाम लगा दिया था यूसुफ नजार नाम का एक शख्स था उसके साथ उन्होंने क्या किया था मतलब अः इल्जाम लगाया था नउजुबिल्ला ठीक है तो अभी हम एक मरतब और रिपीट करते हैं शायद को फिर आगे बढ़ते हैं वह और इस जब ओलत कहा अलमलाईकु फरिश्तों ने या मरियम इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ने इस्त चुन लिया की तुझे व और कर दिया कि इस्त चुन लिया की तुझे अलापर अनतों पर अल अलमीना तमाम जहां की औरतों पर और जब कहा फरिश्तों ने ऐ मरियम बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुझे और पाक कर दिया तुझे और चुन लिया तुझे तमाम जहां की औरतों पर क्लियर है आयत समझ आ गई है सबको इंशाल्लाह बार अल्लाह फीक हूँ अल्लाह सिंपल है ना आयत तो एक दो वर्ड्स तो रिपीट हो रहे हैं ठीक है इंशाल्लाह हम दूसरी आयत देखते हैं इसकी नेक्स्ट वो भी बहुत छोटी सी है मरियम अलै सलाम के ताल्लुक समझ लें कि वो उसका कंटिन्यूएशन ही ऑलमोस्ट क्योंकि फरिश्ते ही आके क्या कह रहे हैं आगे कंटिन्यू कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया नंबर फोर्टी थ्री या मरियमु कुनती लीरवा बिकि वजदी वरकाई मा अरकीन फिर से सेम वर्ड आ गया ठीक है या मरियम वही वर्ड है हां जी देखें या मरियमो दो वर्ड से मिलकर बनाए या प्लस मरियम या का मतलब क्या होता है ओ इंग्लिश में ओ या फिर ए उर्दू में ए या ए हरफे निदा कहते हैं एक्चुअली में इसको हरफे निदा निदा मतलब पुकारने के लिए आवाज देने के लिए जब यूज होता है उसको हरफे निदा कहते हैं कॉलिंग लेटर है ये या ए मरियम ए मरियम उकनुती, नहीं मरियम पर पेश का मीनिंग नहीं यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है ना जो मरियम के ऊपर पेश है वो नॉमिनेटिव केस यानी अभी हम आपको कैसे बताएं के नॉमिनेटिव केस यानी रफा की हालत को बताया जा रहा है कि ये मरियम अलैहिस्सलाम से खिताब किया जा रहा है ठीक है या मरियम ए मरियम उकनुतीरो उकनुती अब देखें उकनुती जो है ना ये वर्ड ये वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑफ नून ता में ऑफ नून ता और हमने आपको एक का डिफरेंस भी बताया था एक वर्ड का ऑफ नून ता। दुआए कुनूत हम पढ़ते हैं ना कुनूत का मतलब क्या होता है परमा बरदारी होना परमा बरदारी ठीक है, इताद गुजारी, इधगुजारी का मतलब होता है फर्मा बरदारी या इताद गुजारी या ओबीडियंस ठीक है किसी की बात को मान लेना ओबीडियंट हो जाना तो अब ये फरिश्ते हुक्म दे रहे हैं मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म फरिश्ते आके मरियम सलाम को सुना रहे हैं या मरियम उ और ये जो या आ रहा है ना जब आप किसी फीमेल को हुक्म देते हैं तो उसके आखिर में या लगता है और अगर आप किसी मेल को देते हैं तो उसके आखिर में या नहीं लगता उस जुद होता मेल के लिए होता उर का वर इर का होता तो मेल के लिए होता उकनुत होता तो मेल के लिए होता लेकिन ये जो या का एडिशन है ये बता रहा है तीनों हुक्म में ये फीमेल को हुक्म दिया जा रहा है ठीक है फीमेल को हुक्म दिया जाएगा अभी हमने इससे पहले पढ़ा था ना इज अल बना और अगर हम कहें इज अली तो बना कौन फीमेल को जब आप कहेंगे बना तो इज अली कहेंगे आप तो यहाँ पर या का एडिशन फीमेल को इंडिकेट करता है ठीक है वरना या नहीं होगा तो ये मेल के लिए हो जाएगा तो अब यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है या मरियम ए मरियम उकनुतीकनुती फरमा बरदार हो जाओ इतात कर फरमा बरदारी कर इतात कर बी ओबीडियंट बी ओबीडियंट इतात कर दुआए कुनूत से याद रखें कुनूत का मतलब फरमा बरदारी ठीक है अच्छा एक और वर्ड आता है कौफ नून ता ये कुनूत है और एक आता है काफ़, नून तोय इसका मतलब है मायूस होना तो तोय एंड में आ जाएगा तो तो इसका मतलब मायूस होना ता एंड में आ जाएगा मतलब फर्मा बरदार होना दोनों में फर्क है याद रखें दोनों रूट लेटर में फर्क है पढ़ने में एक से लगते हैं क्योंकि हम पढ़ते एक जैसा है ठीक है लेकिन दोनों में फर्क है पाफ नून ता, फर्मा बरदारी और पाफ नून तो ये मायूसी अच्छा या मरियम ए मरियम उकनुती तू क्या हो जा या के साथ आ रहा है ना फीमेल के लिए आ रहा है उकनुती तू फर्मा बरदार हो जाए कर किसके इतात कर ली रब बी की ली रब की तीन वर्ड आ गए है ना ली रब और की ली मतलब लीए जर है प्रपोजिशन है ली का मतलब होता है लिए फॉर जी बिल्कुल ओम लिफान तीन वेरी गुड तो ली का मतलब किस लिए किसके लिए रब इसके रूट लेटर है बा, बा, रब का मतलब रब रब के लिए किसके रब के लिए की की अटैच प्रोनाउन है जमीरे मुत्तसिल है तो की मतलब योर तेरे तुम्हारे अपने अपने रब के लिए तेरे रब के लिए पर बरदार हो जा इतात कर अपने रब के लिए या अपने रब की ठीक है ए मरियम फरमा बरदार हो जा इतात कर की तेरे रब रब ली लिए तेरे रब के लिए या अपने रब के लिए या अपने रब की ठीक है ए मरियम इतात कर तेरे रब की अच्छा यहाँ पर उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं ली हरफे जर है इसलिए अगर ये ली हरफे जर आ गया इसलिए हमने आगे के वर्ड को उर्दू में क्या करते हैं हम उल्टा पहले पढ़ लेते हैं और बाकी बा, हरफे जर को बाद में पढ़ते हैं और क्या कर एक तो इता कर दूसरा वजी क्या रूट लेटर होंगे वाओ पहले वाओ का तर्जुमा होगा और एंड हरफे अतफ है कंजंक्शन है ठीक है एंड या और का तर्जुमा होगा वाव यानी और उस जुदी रूट लाइटर क्या होंगे जीम दाल से होगा है ना उस जुदी मतलब तू सजदा कर एक तो फरमावरदार हो जा दूसरा तू सजदा कर और क्या कर वर काई एक, एक मिनट हम ज्वाइन करते हैं रजीम, रही रही जुदी वा और उसदी सजदा से बन गया ये सब हुक्म हैमर है ठीक है इसका कमांड है अल्लाह सुबान की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि तुम फर्मा बरदार बन जाओ गुजार बन जाओ और क्या करो उस जुदी सजदा करो ठीक है फीमेल के लिए या आ रहा है और उस जुद सज्दा करो वर काई व फिर से वाव आ गया वाव वाव का तर्जुमा क्या होगा और एंड कंजंक्शन है हरफे अतफ है इसका भी तर्जुमा और या एंड होगा ठीक है व और इर काई क्या रूट लेटर होंगे इसके ये या तो किसके लिए है फीमेल के लिए है रा, काफ क्या होगा रुकू सजदा और साथ में रुकू इरकाई रुकू करो क्या करो रुकू करो प्रोस्ट्रेट करना है सजदा करना है और रुकू मतलब टू बाव डाउन टू बाव डाउन एंड बाव डाउन बी ओ डब्ल्यू और उस जूदी का मतलब क्या है प्रोस्ट सजदा करो ए मरियम क्या करो फरमा बरदार बन जाओ अपने रब के लिए और सजदा करो और रुकू करो किसके साथ रुकू करो मीन अच्छा मा ये पहली मरतब आया वर्ड हमारे पास ठीक है मा का मतलब होता है साथ विद हम कहते हैं ना इनल्लाहा मा साबिरीन बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है तो मा का मतलब क्या होगा विद साथ मा साथ किसके साथ राकीइन राकी अब देखें राकी क्या होगा फाइ राकी फाइलुन पैटर्न पर होगा फाइलुन फाइलुन पैटर्न पर होगा फाइल क्या होता है काम करने वाला तो राकी क्या होगा र क अ रूट लेटर है तो रुकू करने वाला ठीक है रुकू करने वाला और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एंड में क्या लग गया ईना लग गया तो राखी के आगे ईना लग गया राखी राखी उन मतलब रुकू करने वाला और ईना लग गया तो प्लूरल हो गया जमा हो गया ऊना ईना और वाहिफ तीनों मेल प्लूरल के लिए आता है जमा करके लिए आता है तो यहाँ पर राकीना रुकू करने वाले क्योंकि जमा हो गया ना प्लूरल हो गया। तो रुकू करने वालों के साथ क्या करो रुकू रुकू करो। रुकू करो करो करने वालों के साथ क्योंकि वो मेहराब में रहा करती थी यानी अः जकर की किफालत में तो यहाँ पर एक एक बात ये भी जाहिर होती है कि औरतें भी जमात से नमाज पढ़ सकती हैं अगर उनके सेपरेट गुजरे हो सेपरेट सेपरेशन हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो मस्जिद में जाकर और अः मतलब एक हदीस का मफहूम है कि औरतों को मस्जिदों में जाने से ना रोको लेकिन उनके लिए घर का अंदरूनी हिस्सा ज्यादा बेहतर है तो दोनों ही तरीके से जायज है कि आप मस्जिद में जाकर भी नमाज पढ़ सकते हैं अपने घर में भी नमाज पढ़ सकती हैं यहाँ पर जो है क्योंकि वो हुजरे में रह रही थी और उसी मस्जिद के हुजरे में तो जब रुकू करने वालों के साथ रुकू करो मतलब उनके साथ नमाज अदा करो ठीक है? अब देखें दोबारा से को, या मरियम या ए, थीके? ए ठीक है? मरियम परमावरदार हो जाओ ठीक है फरमा बरदार हो जाओ इताद गुजार हो जाओ किसके लिए लियो भी का तेरे रब के लिए ऐसे करेंगे तर्जुमा काफ़ का पहले रब का बाद में उसके बाद ली का अपने रब के लिए तेरे रब के लिए अपने रब का की इताद गुजार हो जाओ और क्या करो वह और उस जुदी तुम सजदा करो और क्या करो वह और इर् और रुकू करो अच्छा अभी हमने कहा तुम सजदा करो तो तुम कहाँ से आ गया ये लिखा हुआ तो नहीं है तो याद रखें जब आप किसी को हुक्म देते हैं तो वो सामने ही मौजूद होता है ना तो आप अगर सामने मौजूद है तभी कोई गायब है इंसान तो उसको तो आप हुक्म नहीं दे सकते जो सामने मौजूद है तो उसी को हुक्म देते हैं तो उसमें तुम खुद ब खुद इनबिल्ट होता है खुद ब खुद आ जाता है ठीक है आप किसी भी थर्ड पर्सन को हुक्म नहीं देते ना ही फर्स्ट पर्सन को हुक्म देते ना किसी गायब इंसान को हुक्म देते, देते।, देते हैं ना अपने आप को हुक्म देते हैं बल्कि किसको हुक्म देते हैं सेकेंड पर्सन जो सामने मौजूद है जो हाजिर है उसको देते हैं तो इसलिए तुम खुद ब खुद उसमें आ जाता है जितने भी कमांड होंगे जितने भी होंगे, जितने भी ऑर्डर uh, होंगे हुक्म अमर होंगे सबके अंदर तुम कुछ ब खुद शामिल हो जाता है क्योंकि आप हुक्म कभी भी सामने वाले को देते हैं जो सामने आपके मौजूद है उसको ठीक है या मरियम ऐ मरियम उकनती इतात कर इतात गुजार हो जा परमा बरदार हो जा इतात कर ली रब्बी ली रब्बी की तेरे रब के लिए अपने रब के लिए या अपने रब की इतात कर व और उस जुदी सजदा कर व और इरकई रुकू कर माँ साथ राखी रुकू करने, कर? कर। कर। करने वालों के साथ क्या कर रुकू कर रुकू करने वालों के साथ रुकू कर अब गौर से देखें शायद को ए मरियम इतात कर तेरे रब के लिए तेरे रब की अपने रब की और तू सजदा कर और रुकू कर रुकू करने वालों के साथ ए मरियम इताद कर अपने रब की और सजदा कर और रुकू कर रुकू करने वालों के साथ आ गई आयत समझ में जी हम रिपीट करते हैं इंशाल्लाह ठीक है तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला ने हम फरिश्तों के जरिए से मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि क्या करो पहले तो अल्लाह सुबहान व इज और जब औलत कहा मलाइका फ़रिश्तों ने और जब कहा फ़रिश्तों ने ऐ मरियम इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ने इस सफा चुन लिया कि तुझे व और तहरा पाक कर दिया कि तुझे व और इसफ़ा चुन लिया कि तुझे अलापरिस औरतों पर, पर अल-आलमीना तमाम जहा की औरतों पर और जब कहा फ़रिश्तों ने ए मरियम बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुझे और पाक कर दिया तुझे और चुन लिया तुझे तमाम जहानों की औरतों पर तो अब क्या कर तू ए मरियम जब अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया तो तुम तुम क्या हो अल्लाह के लिए स्पेशल हो तो तुम्हारा किरदार भी स्पेशल होना चाहिए कैसा ये तुम अल्लाह की फरमा बरदार हो तुम अल्लाह के सामने सजदा और रुकू करने वाली हो यानी तुम्हारा उठना तुम्हारा बैठना तुम्हारा झुक जाना सब किसकी खातिर होना चाहिए अल्लाह इज़्ज़त की खातिर उस रब की खातिर जिसने तुम्हें चुना है तमाम जहाँ की औरतों पर यानी तुम्हें अल्लाह ने अपने लिए चुना तो तुम भी अल्लाह को अपने लिए चुन लो तुम भी अल्लाह इज़्ज़त की फरमा बरदार हो जाओ तुम भी अल्लाह के आगे अपने आप को झुका दो अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो पेश कर दो ठीक है ए मरियम इताअत कर अपने रब की और सजदा कर और रुकू कर रुकू करने वालों के सात ठीक है ये जितने भी तीनों या आ रहे हैं ये क्या है फुक में ये तीनों में या जो है एंड में ये तीनों या किसके लिए है फीमेल के लिए याद रखें इसको और ये है हुक्म यानी ऑर्डर है ये कमांड है जब ऑर्डर दिया जाता है किसी औरत को तो उसके आखिर में किसी एक औरत को अगर ऑर्डर देना है आपने तो उसके आखिर में क्या आ जाएगा या आ जाएगा ठीक है उसजुदी उकनुतीक इर्कई और अगर आप किसी मेल को ऑर्डर देंगे तो आप कहेंगे उकनुत या नहीं लगाएंगे फिर स्टॉप हो जाएंगे उकनुथ उजुद इरका इस तरीके से उसजुद उकनुत इरका क्या फर्क होगा देखें ये ऐसा होगा उक अगर आप किसी मेल को कह रहे हैं तो आप कहेंगे उक नुत अमर तू फर्मा बरदार हो जा उस सजदा कर इरका रुकू कर ठीक है तो उस जुद इरका उकनुत ये मेल के लिए और अगर आप इसके आखिर में आ, या लगा देंगे सबके आखिर में तो ये क्या हो जाएगा फीमेल के लिए हो जाएगा ठीक है आगे समझ में हाँ एग्जैक्टली exactly. या हर हर हुक्म के आखिर में सुकून होता है एंड में आखिर में सुकून होता है हमने आपसे बताया था तकबल और तकबला में फर्क बताया था तकबल इजअल ये वर्ड आ चुका इजल आ गया बना फिर हमने देखा हब ली है ना तो हब हब में बा के ऊपर सुकून आ गया तो जो ऑर्डर होता है कमांड होता है उसके आखिर में अगर सिंगुलर होता है तो उसमें सुकून आता है ठीक है और अगर लूरल के लिए होता है तो उसमें वाहिफ भी आ जाता है उकनुतु वाहिफ के साथ आ जाता है इस तरीके से लेकिन अभी फिलहाल हम जो है आ, सिंगल पे गौर कर रहे हैं तो ता के नीचे फिर जेर आ जाएगा ना यहाँ पर उकनुती उस जुदी इरकाई इस तरीके से अब वो पढ़ने के लिए दो दो सुकून तो नहीं लगाए जाएंगे या के ऊपर सुकून अगर शिफ्ट हो गया तो फिर उसके नीचे जेर जेर आ जाएगा तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी ठीक है तो उकनुती तो फर्माबरदार हो जा ए औरत तू फरमा बरदार हो जा उस जुदी तू सजदा कर इरकाई तू रुकू कर और किसी मर्द को कहेंगे उकनुत तू फरमा बरदार हो जा मर्द उस जुद सजा कर इरका रुकू कर एंड में सुकून आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हुक्म अमर है ये यानी कमांड है अब किसी को हुक्म देते हैं तो फीमेल के लिए या आना चाहिए और मेल के लिए या नहीं आना चाहिए ठीक है इसको या को अलग से अटैच प्रोनाउन बना के तर्जुमा ना कर दीजिएगा ये या जो है हुक्म का या है ये वो अटैच प्रोनाउन का जमीर मुत्तसिल का या नहीं है जमीर मुत्तसिल का या क्या होता है मेरा जैसे कलमी मेरी कलम किताबी मेरी किताब कमीसी मेरी कमीज तो या लगाने से अटैच प्रोनाउन में मेरा का तर्जुमा आता है लेकिन जब हुक्म में या लगाया जाता है तो फीमेल का तर्जुमा आ जाता है ठीक है इस बात को भी याद रखें गौर से चले अब हम इसको एक मरतबा और रिपीट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आयत और पढ़ा दें अगर आप लोगों की इजाजत हो तो वैसे हमने आयत नंबर फोर्टी फोर्थ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقو يلقون اقلامهم ايهم يكتب مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون चल ठीक है इंशाल्लाह इजी है आयत दिखने में नए वर्ड दिखाई दे रहे हैं अल्बत्ता है आसान ذلك ये तो आप सबको पता है zalika का मतलब क्या होता है दैट वो लेकिन जब आपको बाद में जोर पैदा करना होता है तो अब आप दूर का इशारा इस्तेमाल करते हैं ये क्या है इसमें इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमानस्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें इशारा इशारा का मतलब क्या होता है जब आप कहते हैं ये वो दिस दैट उसके लिए इस्तेमाल होता है हाजा जालिका तो जालिका का मतलब असल में तो होता है वो दैट लेकिन जब आपको किसी चीज के ऊपर जोर देकर कहना होता है तो आप कहते हैं ये वो जैसे हम कहते हैं किताब उला और बापी। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं ठीक है ये वो इस तरीके से आप कहेंगे तो आप ये का तर्जुमा भी कर सकते हैं जालिका में ऐसा है मतलब इसमें कि अल्लाह जुबान इशारा करके उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि देखो ये चीज है ठीक है इस तरह हमने वो पढ़ी थी ना आयत के बह, इन सबसे बेहतर हम तुमको बताएं झालिकुम यानी अल्लाह सुबहान तला इशारा करके बता रहे हैं ये वो आठ चीजें जो हमने आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ने औरतों की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत और घोड़ों की मोहब्बत और खेतियों की मोहब्बत इंसान के दिल में डाल दी फिर अल्लाह ने कहा कि इससे भी बेहतर ये ये वो चीज है जिससे बेहतर हम तुमको बता रहे हैं है ना तो जालिका का मतलब होता है ये वो यानी कि उसमें क्या आ जाएगी बात में जी बिल्कुल अः मतलब उसमें जोर आ जाएगा बाद में तो तर्जुमा क्या होगा ये भी तर्जुमा आप कर सकते हैं जालिका मिन अंबा इन मिन, मिन का तर्जुमा आपको पता है जालिका का मतलब हो गया ये ठीक है हम दिस का तर्जुमा भी इसमें कर सकते हैं और दैट एक्ट दैट भी कर सकते हैं वो मिन अंबा मिन हरफे जर है हरफे जर प्रपोजिशन मिन का तर्जुमा क्या होता है से फ्रॉम ठीक है से या फ्रॉम अंबा अंबा जो है नबा का प्लूरल है नबा नून बा नून बा हमजा इसके रूट लेटर है नून बा हमजा नून बा हमजा नबा नबा का हमने आपको तर्जुमा पहले भी बताया था इससे पहले भी वर्ड आ चुका ये नबी भी इसी से बना है नबा का मतलब होता है खबर नबी का मतलब होता है खबर देने वाला ठीक है नबा मतलब न्यूज और नबी का मतलब जो न्यूज दे देने वाला है ठीक है तो नबा का मतलब क्या होगा खबर और अंबा का मतलब क्या होगा खबरें न्यूज खबरें प्लूरल हो जाएगा ए, एक नबा होगा तो खबर और बहुत सारी होगी तो अंबा आ जाएगा यानी खबरें खबरें न्यूज तालिका ये मिन से अम्बा खबरों में से है कौन सी खबरों में से है अल गईबी अल गईबी गैब का मतलब क्या होता है अनसीन जो दिखाई नहीं देता उर्दू में गैब गाईब को गैबी कहते हैं ठीक है ठीके? जो चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन मौजूद है गैब का ये मतलब नहीं होता कि वो चीजें मौजूद नहीं है गैब का मतलब होता है वो चीजें मौजूद हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती उसका मतलब होता है गैब ठीक है अब हमारे लिए तो आप सल अला भी क्या है गैब की खबर है हमने आप सल अल्लाह वसलम को देखा नहीं लेकिन हमें यकीन है इस बात पर ठीक है और ईमान उसी को कहा जाता है जो क्या हो अनसिन पर हो देख तो फिर अबू जहल का ईमान भी अबू बकर जितना होगा ना जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख लेगा अबू जहल तो उसका ईमान का लेवल भी अबू बकर ताला जितना हो जाएगा लेकिन असल ईमान कब होगा जब गैब पर ईमान होगा बिन देखे का ईमान असल ईमान है देखने के बाद तो कोई भी यकीन कर लेगा मरने के बाद उठने के बाद तो हर किसी को यकीन आ जाएगा कि हाँ भाई मौत के बाद जिंदगी है और अल्लाह ने हिसाब किताब लेना है असल हमारा यकीन कब होना चाहिए मौत के बाद हिसाब किताब होना है दुनिया में होना चाहिए गैब पर होना चाहिए अब अगर यकीन आ जाएगा ना हमें तो फिर हमारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे इस वक्त अगर हमें यकीन आ गया ना कि मौत के बाद मालिक ही यौमिद्दीन है अल्लाह रोजे जजा का मालिक है हिसाब किताब के दिन का मालिक है तो हमारे अमाल बिल्कुल सहाबा अकराम के जैसे हो जाएं लेकिन हमारे यकीनों में क्या है कमी है उनके यकीनों में पुख्तगी थी वो यकीन जो था उनके पास सहाबा कर राम के पास कि वो जन्नत दोजक को अपनी आंखों से देख रहे होते थे दुनिया ही में इसीलिए उनके आमाल जो थे अल्लाह रबुल्जत को महबूब थे इसीलिए अल्लाह ने उनको रद्ला का लकब दे दिया कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया वरदुअ और वो अल्लाह से राजी हो गए हम क्यों नहीं अल्लाह से राजी होते और अल्लाह हमसे क्यूँ नहीं राजी होता क्योंकि ना हमारा यकीन ही पुख्ता है हम कहते हैं बस हम गैप पर यकीन रखते हैं लेकिन हमारा वो यकीन नहीं है जो होना चाहिए तो यहाँ पर अल्लाह सुबहाना क्या फरमा रहे हैं गैप की खबरों में से ये खबरें ये जो मरियम सलाम का वाक़ है ये जो ईसा सलाम का वाकया है सॉरी सलाम का वाक्य है क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद थे नहीं मौजूद थे लेकिन अल्लाह सुबहान तला क्या कर रहे हैं गैब की खबरें अता कर रहे हैं आप सल्ला वसलम को जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ईसा अलैहि सलाम यहया अलैहि सलाम जकरिया अलैहि सलाम उनकी पूरी फैमिली गैब का एक वाकया थे तो हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले के लोग आदम अलैहि सलाम तक सारे लोग क्या है गैब का एक वाकया है तो गैब आगे भी हो सकता है पास्ट में माजी में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है गैब का मतलब होता है जो अनदेखा है लेकिन है ठीक है मौजूद है लेकिन देखा नहीं गया है ठीक है चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दालिका ये या वो मिन से अंबा खबरों में से है किसकी खबरों में से है गैब की खबरों में से है तो मिन हरफे आगे के वर्ड को हम पहले पढ़ लेंगे ये गैब की खबरों में से है क्या है अनसिन की न्यूज है द न्यूज ऑफ अनसिन इट इज अमंग द न्यूज ऑफ अनसिन अब गैब की खबरों में से है नू ही ही इलाई का अब इसको तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं नू और वही और ये नू नून जो है ये यतान का नून है अगर नून यतान का नून है तो क्या तर्जुमा होना चाहिए बहुत वक्त बाद आ रहा है ये नून अगर यतान का नून है तो तर्जुमा क्या होगा हम एग्जैक्टली वेरी गुड नून का तर्जुमा हम होगा ठीक है हम और वाओ हा या इसके रूट लेटर भी वाव हा या ही है वही वही का मतलब क्या होता है वही का मतलब होता है रिविलेशन किसी चीज का नाजिल होना किसी खबर का नाजिल होना ठीक है तो वही नून हम वही वही करते हैं ही, ही क्या है अटैच प्रोनाउन है जमीर मुत्तसिल है ये वही हु है जिसको ही बना के लिखा गया है के पढ़ने में आसानी हो वही ही वही हू पढ़ने से ज्यादा वही ही में फ्लो आता है तो इसीलिए वो ही के नीचे जेर आ जाता है ठीक है तो ही का मतलब है उसकी ठीक है उसकी उसे सॉरी हम वही करते हैं उसे उसको या उसे या इट इंग्लिश में हो जाएगा इट वी रिवील इट हम वही करते हैं उसे यानी वो गैब की खबर जो है उसको हम वही करते हैं तो ये अम्बा जो है गैब की खबरें उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही किया वही किया मतलब वही का मतलब ये होता है वही भी अलग अलग तरीकों से आती थी ना एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट इल्हाम होता था कभी ड्रीम्स आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ, मतलब ख्वाब आते थे क्योंकि नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं और वही फरिश्तों के जरिए से होती थी ठीक है फरिश्ते आकर क्या करते थे खबर देकर जाते थे तो अलैहिस्सलाम आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया वो आकर बयान करते थे तो उसको भी वही कहा जाता है ठीक है अल्लाह की बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने का जो मीन्स और सोर्स थे वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और वो उस वो जो बात लेकर आते थे उस प्रोसेस को उस प्रोसीजर को और उस काम को वही कहा जाता है ठीक है वही ये मिन से अम्बा खबरों में अलगैबी गैब की ये गैब की खबरों में से है ये जो वाक्यात अभी हमने बयान किए जितने भी मरियम ईसा और यहा और जकरिया के ये सब गब गैब की खबरों में से है नू ही, ही नून हम वही वही करते हैं ही उसको इले का हम वही करते हैं उसे हम वही करते हैं उसे हम रिवील करते हैं उसे वी रिवील इट हम वही करते हैं उसको या उसे किसको इलाई का इला और का दो वर्ड है इला हरफेजर है प्रपोजिशन है इला का मतलब क्या होगा तरफ या तक तो यहाँ पे तरफ का तर्जुमा होगा टू 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 या टू वर्ड होता है इला मतलब टू या टू वर्ड ये हर फेजर है ठीक है इला का मतलब होगा तरफ किसकी तरफ क का? का अभी हमने की पढ़ा था इतनी देर से पढ़ रहे थे की मरियम के ताल्लुक से अब चूंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेल के ताल्लुक से है तो का आ गया का मतलब आपकी योर ठीक है ये क्या है अटैच प्रोनाउन अटैच्ड उन जमीर मुतसिल जमीर मुतसिल के और भी दो नाम है फाइली जमीर या फिर पजेसिफ प्रोनाउन भी आप उसको कह सकते हैं ठीक है आप या योर टू यू टू यू आपकी तरफ और ये इला हरफे जर इसलिए आपको पहले पढ़ लेंगे आपकी तरफ हम वही करते हैं आप मतलब आप सल्लाह वसलम की तरफ ठीक है आप सल्लाह वसलम की तरफ देखें जालिका वो मिन से अम्बा खबर अलगैबी गैब गैब की खबर में से क्यों उल्टा पड़ रहे हैं क्योंकि मिन हरफे जर है ये गैब की खबरों में से है हम नून हम वही करते हैं ही उसको हम वही करते हैं उसको इलाई का आपकी तरफ इला हरफे जर है इसलिए हम उल्टा पढ़ रहे हैं आपकी तरफ हम वही करते हैं उसको आगे बढ़ते हैं वमा कुंतल अदय अतफ है हरफे अतफ है कंजंक्शन है वाओ का तर्जुमा होगा और एंड और माँ माँ का यहाँ पर तर्जुमा होगा नहीं नॉट नहीं का तर्जुमा होगा नॉट का तर्जुमा होगा और नहीं कु इसके रूट लेटर हैं काफ वाव नून हमने आपसे कहा था ये काफ वाव नून रूट लेटर का मीनिंग क्या होता है, है था होना है था होना तो यहाँ पर थे का तर्जुमा होगा था का तर्जुमा होगा उनका तर्जुमा होगा था और ये ता के ऊपर जबर आ रहा है तो ये पास टेंस है फेले माजी है तो फेले माजी में चार किस्म के ता होते हैं हमारे पास ता के ऊपर सुकून वो औरत ताके ऊपर जबर आप मर्द ता के नीचे जेर आप औरत तू का मतलब मैं ठीक है तो क्या आ रहा है ताके ऊपर जबर आ रहा है आप मर्द कौन आप मर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मेल की बात हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है इसीलिए ताके ऊपर जबर आ रहा है ठीक है तो क्या हो गया यहाँ पर उनता आप थे वह और माँ नहीं कुन थे ता आप आप थे कहा नहीं थे आप नहीं थे वह और माँ नहीं का ता आप कुन थे आप नहीं थे लदई हिम लदई हिम लदा जो वर्ड है लदा का मतलब होता है पास ठीक है विद लदा पास विद लदा का मतलब होगा पास या विद किसके पास हिम हिम अटैच प्रोनाउन हिम और हुम एक ही बात है हुम कह लें या हिम कह लें हुम का मतलब उन सब दे ऑल दे मतलब ही होता है तो दे देम उनके पास विद देम यहाँ पर देम का तर्जुमा कीजिए With them. उनके साथ ये क्या है अटैच प्रोनाउन जमीरे मुत्तसिल है उनके पास आप नहीं थे क्या बताया जा रहा है गैप की खबर है और आप उनके पास तो थे नहीं मतलब फिर भी आपको खबर कहाँ से मिल गई वही के जरिए से मिल गई इससे इस बात की भी तस्दीक होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं और इस बात की भी तस्दीक होती है कि आप अलैहि वसल्लम को गैब कुल कुल गैब का इल्म नहीं है जिस तरह से लोगों ने एक 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 आ, अकीदा गढ़ लिया है अल्लाह सुबह हम सब के अक़ायद को दुरुस्त फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि यार आ, कि ए रसूल आप नहीं थे उनके पास तो आपको कैसे खबर होती उस वक्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल का कुल गैब का इल्म कैसे जान सकते हैं नहीं जान सकते ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुल गैब का इल्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना ही गैब का इल्म है और बाकी तमाम अम्बिया को भी जो भी नबी आए है, हैं जिनको भी अल्लाह रब ने गैब का सबका अलग 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 सबको बराबर नहीं दिया अलबत् किसी को ज्यादा किसी को कम दिया लेकिन कामिल इल्म किसी को नहीं है गैब का याद रखे कोई अगर कहे कि आप सल अला वसलम कामिल गैब का इम रखते थे तो वो मतलब इन आयतों के क्या है ऑपोजिट बात हो गई ना कॉन्ट्ररी बात हो गई तो ये ये सारी आयतें क्या करती हैं हमारे अकीदे को भी करेक्ट करती हैं इसीलिए कुरान का पढ़ना खुद से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है वरना हम क्या करते हैं जो सुनी सुनाई है सब पर हम बिलीव कर लेते हैं क्योंकि आप वसल्लम से इतनी हम मोहब्बत करते हैं इतनी मोहब्बत करते हैं कि फिर कोई उनके बारे में अगर कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी बोले तो हम क्या कर कर जाते हैं एक्सेप्ट कर जाते हैं हाँ कि भाई बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो रसूल हैं तो उनके पास तो ये होगा ही लेकिन जब कुरान जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किसकी क्या लिमिटेशन थी कि क्या मतलब अल्लाह सुबहान हमारे अकीदे को दुरुस्त तोहिद सबसे ज्यादा जो हमारा करेक्ट होता है ना जो अल्लाह सुबहान मोनोथिज्म वो कुरान के जरिए से होता है और किसी चीज के जरिए से नहीं होता याद रखें कि हमारी तोहिद के दुरुस्तगी के लिए कुरान का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है वरना कहीं ना कहीं फिर क्या करता है शैतान हमार अगर हमारे पास कुरान नहीं होगा सही आ, मतलब समझा हुआ तो फिर क्या करेगा हमारे अकीदे में अमल दखल कर देगा शैतान तो खैर यहाँ पर क्या बात ज़ाहिर हो रही है कि आप सल अल्लाह वसम को गैब का इल्म था लेकिन उतना ही जितना अल्लाह इज़्ज़त ने बयान किया जितना अल्लाह ने बता दिया बता दिया कामिल नहीं था ठीक है कामिल मतलब कंप्लीट ठीक है कंप्लीट इल नहीं था और आप उनके पास नहीं थे तो इससे भी बात क्या जाहिर हुई कि लोग कहते हैं आप हाजिर नाजिर हैं हर जगह पर मौजूद हैं हर जगह पर मौजूद थे तो ये गलत है ठीक है तो यहाँ पर अल्लाह सुबहाना ने इस बात की भी दो बातों की यहाँ पर दलील मिल जाए तीन बातों की एक्चुअली में दलील मिलती है शायद से एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओमनी प्रेजेंट नहीं है ओमनी प्रेजेंट सिर्फ अल्लाह की जात है जो हर जगह मौजूद है ठीक है ओमनी प्रेजेंट यानी हर तरफ हर जगह हर मकान में मौजूद होना हर जगह पर चाहे वो बंद कमरा ही क्यों ना हो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के अलावा किसी की जात ऐसी नहीं है जो हर जगह मौजूद हो ठीक है हाजिर नाजिर की है दूसरा कामिल गैब का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के ही पास है हाँ अलबत् गैब का इल्म अल्लाह ने जिसको जितना डिस्ट्रीब्यूट करना था वो दिया हर इल्म के ऊपर के हर, हर जानने वाले के ऊपर जानने वाला है इल्म रखने वाला है लेकिन सबसे कामिल इल्म रखने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है तीसरी बात इसकी तस्दीक करती है कि वही होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गढ़ते नहीं थे किसी बात को कोई बात इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह से बोली भी नहीं है बल्कि कैसी है अल्लाह के जरिए से वही की हुई है तो इससे ये बात भी साबित होती है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं ठीक है तो तीन बातों का यहाँ पर तस्दीक होती है चले हम आगे बढ़ते हैं इला, आ, आ, वो गैब की खबरों में से है हम वही करते हैं उसको आपकी तरफ व माँ व और माँ नहीं कुंता आप थे लद हिम उनके पास यहाँ पर इस आयत में तो सारे उल्टे ही तर्जुमे हो रहे हैं देखे उनके पास इज इज ना इज युल अच्छा ये जो नू ही है क्या ये पैसिव है या एक्टिव है कोई बता सकता है ये यतान मुजारे है ना मुजारे है ये ये, ये 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 एक्टिव है या पैसिव है नू ही ही मजहूल है या मारूफ है एग्जैक्टली exactly, एक्टिव है क्यों एक्टिव है ये क्यों मारूफ है ये पैसिव क्यों नहीं है क्योंकि पेश और जबर नहीं आ रहा है जब तक ये पेश और जबर नहीं आएगा थर्ड लेटर पे ये तो पेश और जेर का कॉम्बिनेशन है ना तो पेश और जेर का कॉम्बिनेशन तो हमें पास टेंस में चाहिए होता है पैसिव बनाने के लिए तो ये पैसिव नहीं है ये एक्टिव है याद रखें ये एक्टिव है दैट मीनस ये मारूफ है मजबूल नहीं है सिंपल तर्जुमा है ना हम वही करते हैं वही की गई तो तर्जुमा नहीं हो रहा है ना सीधा तर्जुमा हो रहा है हम वही करते हैं उसको ठीक है तो सीधा तर्जुमा है, इसमें उल्टा तर्जुमा नहीं हो रहा है और व और माँ नहीं कुन थे ता आप आप ना थे हिम लदे हिम उनके पास इज इज का मतलब जब जब वैन पा, फ्यूचर पास्ट के लिए आता है पास्ट के लिए यानी के माजी के लिए आता है ठीक है जब लाम या इसके रूट लेटर हैं लाम या लाम या अच्छा लाम या के रूट लेटर के दो मीनिंग होते हैं एक एक रूट लेटर का मीनिंग होता है मुलाकात करना टू मीट मिलना मुलाकात करना और यहाँ पर लाम या का रूट लेटर का मीनिंग है डालना टू थ्रो टू कास्ट ठीक है डालना फेंकना डालना और फेंकना या डालना या थ्रो करना या कास्ट करना टू कास्ट टू थ्रो डालना ये रूट लेटर का मीनिंग बता रहे हैं हम ठीक है डालना या फिर फेंकना फेंकना ये एक मीनिंग हो गया और दूसरा मीनिंग क्या है टू मीट मुलाकात करना टू मीट मुलाकात करना लाम काफिया रूट लेटर का मीनिंग अच्छा हम आगे बढ़ते हैं रहीम इज जब यूना तो युलना में रूट लेटर आ गया लाम कॉफिया या यतान का या है ऊना प्लूरल के लिए आ गया तो या मतलब वो ऊना मतलब सब लाम या मतलब डाल रहे थे डाल रहे थे डाल रहे थे या फेंक रहे थे ठीक है डाल रहे थे या यतान का या है या मतलब वो ऊना मतलब सब और लाम काफिया डाल रहे थे और ये या कहा गया फिर? लाम काफिया का लाम या कहा चला गया ये हरफे इल्लत है हरफे इल्लत होता है तो क्या होता है गायब हो जाता है या फिर किसी को और ज, और अलिफ या वाव को जगह दे देता है ठीक है अलिफ वाओ या तीन हर इल्लत है अलिफ वाव, या ये कभी कभी एक दूसरे की जगह को चेंज कर लेते हैं एक दूसरे की जगह को चेंज कर लेते हैं या फिर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो या था वो गायब हो गया तो लाम काफ दिखाई दे रहा है बाकी ये जो या है वो गायब हो गया चले इस जब या वो लकी डाल रहे थे ऊना सब वो सब जब डाल रहे थे अकलम अकलाम कलम का प्लूरल है। मीम उसके रूट लेटर है कलम उन पेन कलम हम उर्दू में भी कहते हैं ना कलम मतलब पेन अकलाम मतलब पेन्स पेन पेन पै, पैन, अकलाम पेंस हिम अकलाम हम हुम। हुम वही है सेम हिम जो है बार बार आ रहा है देखें ये ये सब जगह पर एक ही तर्जुमा होगा वो सब दे ऑल क्या है, ये सब? Attach pronoun है जितनी भी जगह है, सब अटैच प्रोनाउन है अटैच प्रोनाउन फाइली जमीर या पजेसि प्रोनाउन भी आप उसको कह सकते हैं ठीक है हाँ उनके कलम उनके अकलाम उनकी पेंस pens नहीं आप थे जी हाँ देखिये इज आ गया ना इज आ गया जब इज आ जाता है ना तो अगर आगे मुजारे भी लगा हो तो उसको पास टेंस में ही तर्जुमा किया जाता है ठीक है क्योंकि ये पुराने वाक्य को हम बयान कर रहे हैं तो अगर इस जब वो सब डाल रहे थे ठीक है इस तरीके से इज इस इसकी वजह से वो पास्ट टेंस में चला गया ठीक है मुजारे भी पास्ट टेंस में चला गया इसकी वजह से क्योंकि ये पुराना वाक्य बयान हो रहा है हालांकि ये युना मुजारे है लेकिन आ गया इज जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है इसीलिए वो आगे का तर्जुमा भी पास्ट टेंस में चला गया ठीक है चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह हु अकबर आप ना थे उनके पास जब वो सब डाल रहे थे अकलामा हूँ उनके अकलाम उनकी पेन देर पेन ठीक है हुम मतलब उनके अयु हम यकुलू अयु और हुम अयु मतलब कौन which 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 of them, which of are you, which of them किन में से हु उनमें से कौन हम क्या है वही अटैच प्रोनाउन जमीन है मुत्तसिल हम मतलब उन सब में से उन सब में से कौन उन सब से कौन या उनमें से कौन या फिर विच ऑफ देम विच ऑफ देम इंग्लिश में तो सीधा ही पढ़ा जाता है विच ऑफ देू मरियम यक फुलू यतान का या है या का मतलब वो का फलाम का फला हम पहले भी वर्ड पढ़ चुके हैं पढ़ के आए हैं किफालत करेगा परवरिश करेगा वो परवरिश करेगा या वो यतान का या या मतलब वो कफला किफालत किफालत करेगा मतलब परवरिश करेगा मतलब हु टेक चार्ज इन, इन लोगों में झगड़ा हो रहा था बेसिकली मसला क्या था कि मरियम सलाम चूंकि एक लड़की थी उनको मेहराब के लिए डेडिकेट किया गया तो वहां के जो बड़े बड़े एक तो सलाम चीफ प्रीस्ट थे वहां के मेन मौ, मौ, मौलाना थे वहां के उस मस्जिद के हर कोई चाह रहा था कि इस बच्ची को हम पालें हर कोई चाह रहा था इस बच्ची को जो भी मस्जिद की खिदमत करने वाले लोग थे और जो भी बड़े बड़े लोग थे वो सब के सब चाह रहे थे कि इस बच्ची की की किफ़ालत हम करें इस बच्ची की परवरिश हम करें ठीक है क्योंकि इसको महराब के लिए डेडिकेट किया गया अल्लाह की राम में इसको डेडिकेट किया गया है हर कोई चाह रहा था कि वो स्वाब और वो अजर हम कमा लें ठीक है तो यहाँ पर अल्लाह सुबहाना तला फरमा रहे हैं कि जब वो अपनी पेन डाल रहे थे दरिया में तब आप वहां मौजूद नहीं थे अब क्या था ये पे, पेन का दरिया में डालना के वो लोग कुरा, कुरा मतलब लकी ड्रॉ के देख ऐसा करते हैं ना हम के चिट्ठी उड़ाते हैं बच्चे छोटे बच्चे होते हैं चिट्ठी के नाम की चिट्ठियां उड़ाते हैं कि देखे किसका नाम निकलेगा फिर उसको ही क्या करते हैं लीडर बना देते हैं तो उसी तरह से ये लोग क्या करते थे इनका ये तरीका था इनके दौर में कि वो अपनी पेन पर नाम लिखते थे या जो भी जिसकी भी पेन होती थी वो तो पहचान आ ही जाती होगी तो वो अपनी पेनों को दरिया में डाल देते थे कलम को दरिया में डालते थे और जिसका पेन तैर जाता था वो पेन क्या होता था मतलब वो शख्स जो होता था उसका नाम आ जाता था और क्या हुआ कि तीन मर्तबा कुरान निकाला गया तीन मर्तबा वो कलम जो थे दरिया में डाले गए और तीनों मरतबा जक्रियालाम का जो कलम था वो तैर गया और इस तरह से मरियम सलाम की किफ़ालत सलाम के हाथ आई तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चाहना था क्योंकि अल्लाह सुबहान तला ने चाह के एक नबी के जरिए से मरियम सलाम की परवरिश हो और वो उनके खालू भी थे तो उनकी देख रेख में ज्यादा बेहतर परवरिश हो सकती थी एक नबी के जरिए से एक इंसान की जब परवरिश होगी तो सोचे कितनी बेहतरीन होगी ठीक है तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करना था कि तीनों मरतबा कलम जकरिया का तैर गया और जकरिया का नाम आ गया अल्लाह सुबहान तआला कह रहे हैं कि क्या आप वहां मौजूद थे जब वो लोग अपनी कलम डाल रहे थे और वहां पे झगड़ा हो रहा था कि भाई कौन करेगा कपालत मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा हर कोई ये कह रहा है तो आप तो वहां मौजूद नहीं थे जब वो कलम डाल रहे थे जब वो लड़ रहे थे आपस में कि मुझे दे दो मरियम को मुझे दे दो मरियम को तो अल्लाह सुबहान तला पर बता रहे हैं कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह के पास है आपके पास नहीं है ठीक है ये तो हमने आपको वही करके बताया है चले उनके पलम अयम उनमें से कौन यक वो किफालत करेगा वो परवरिश करेगा मरियमा मरियम की ठीक है यहां तक बात समझ आ गई ये गैर की खबरों में से है हम वही करते हैं उसको आपकी तरफ और नहीं आप थे उनके पास जब वो सब डाल रहे थे उनके पेन उनमें से कौन वो परवरिश करेगा मरियम की वमा कुंतल अदय सेम इतनी बात आ गई वमा कुंतल अदय ठीक है यहाँ से यहाँ तक व और माँ नहीं यहाँ पर भी नहीं का तर्जुमा हो जाएगा नॉट का तर्जुमा होगा वाओ कंजंक्शन है हरफियातफ है वाओ का तर्जुमा होगा और और माँ का तर्जुमा होगा नहीं और नहीं कुंता वही काफवा नून रूट लेटर है इसके तो काफवा नून रूट लेटर का हमने है था होना तीनों तर्जुमा बताया था यहाँ पर चूंकि पास टेंस की बात हो रही है तो था का था और ता किस लिए आता है मेल के लिए आता है मेल तुम के लिए आता है तो आप थे क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से तो हम तुम नहीं कहेंगे आप कहेंगे ठीक है ना आप थे हिम पास हिम उनके, विद, विद देम, उनके पास उनके उनके ना थे तो लदा का मतलब होगा पास और हिम मतलब उन सब उन सब के पास आप जब भी नहीं थे इस जब इस फिर से आ गया जब पास के लिए आ गया जब ये भी यतान का या है एंड में ऊना आ रहा है और खसामा इसके रूट लेटर हैं ता इसमें एक्स्ट्रा है स्वाद मीम ख स्वाद मीम ठीक है या का मतलब होगा वो ऊना का मतलब होगा सब प्लूरल के लिए हो जाएगा ऊना सब खसामा ख स्वाद मीम खसमा का मतलब होता है झगड़ा करना आपको पता है ना जो हैदराबाद में ख़सम किसको कहते हैं शौहर को कहते हैं और ओपोनेंट को कहते हैं यानी जिससे झगड़ा होता रहता है उसको कहा जाता है ठीक है तो खौ मीम, खौसमा का मतलब क्या होता है झगड़ा करना ठीक है झगड़ा करना तो आप जब वो आपस में झगड़ रहे थे जब भी आप उनके पास मौजूद नहीं थे ठीक है डिस्प्यूट कर रहे थे खौ स्वाद डिस्प्यूट करना तो तर्जुमा कैसे होगा या वो समाज झगड़ा कर रहे थे ऊना सब वो सब झगड़ा कर रहे थे झगड़ा मतलब एक डिस्प्यूट हो गया था उसमें कि हम हमें दे दो हमें दे दो एक तरीके से बहस वसा हो गया था उसको कहा जा रहा है ठीक है वह और माँ नहीं थे ता आप लदा पास हिम उनके पास इस जब या वो ऊना सब खौसमा झगड़ रहे थे या लड़ रहे थे या डिस्प्यूट कर रहे थे ठीक है अब पूरी आयत को देखें गौर से दालिका वो या ये मिन से अम्बा खबरों में से अलगैबी गैब थी वो गैब की खबरों में से है नून हम वही वही करते हैं ही उसको इला तरफ का आपकी आपकी तरफ व और माँ नहीं कुे ता आप आप थे लदा पास हिम उनके पास और ना आप थे उनके पास इज इस जब इज इस जब या वो ऊना सब लका डाल रहे थे लाम काफिया लकी डाल रहे थे अकलाम हम पैन हिम उनके उनके पैन अयु कौन हम उनमें से कौन या वो कफला की पालत करेगा परवरिश करेगा मरियमा मरियम की वह और माँ नहीं कुे ता आप और नहीं थे आप लदई हिम लदा पास हिम उनके उनके पास इस जब या वो ऊना सब खोसमा झगड़ रहे थे डिस्प्यूट कर रहे थे ये गैब की खबरों में से है हम वही करते हैं उसको आपकी तरफ और नहीं आप थे उनके पास जब वो सब झगड़ वो सब डाल रहे थे उनके कलम उनके उनमें से कौन वो किफालत करेगा परवरिश करेगा मरियम की यानी एक एक डिस्प्यूट था एक बहस इस बात पे चल रही थी कि उनमें से कौन मरियम की किफालत करेगा तो उन्होंने सोचा कि इस झगड़े का हल ये है कि हम क्या करें कलम डाल के कूड़ा निकाल लें कलम डाल के लकी ड्रॉ निकाल लें और नहीं आप थे उनके पास जब वो सब झगड़ रहे थे ठीक है ये गैप की खबरों में से है हम वही करते हैं उसको आपकी तरफ और नहीं आप थे उनके पास जब वो सब डाल रहे थे उनके पेन उनके कलम के उनमें से कौन वो परवरिश करेगा मरियम की और नहीं आप थे उनके पास जब वो सब झगड़ रहे थे समझ आ गई पूरी आयत ताकि ताकि अच्छा ताकि चारों टाइप Osionfish. ता के ऊपर सुकून आएगा ताके ऊपर जबर आएगा ताके नीचे जेर आएगा ताके ऊपर पेश आएगा ये पास टेंस की बात है ता के ऊपर सुकून आएगा मतलब वो फीमेल ता के ऊपर जबर आएगा मतलब तुम मेल, ताके नीचे जेर आएगा मतलब तुम फीमेल और ता के ऊपर पेश आएगा मतलब मैं अब मैं कोई भी हो सकता है मेल या फीमेल ठीक है तो कुंत कुंता मतलब आप थे कुंती मतलब आप औरत थी कुंतू मतलब मैं था ठीक है या मैं थी इस तरीके से होगा और कानच का मतलब वो औरत थी ऐसे ही कौलच आया था वर्ड हमारे पास कतलत, कतलत मतलब उस औरत ने कत्ल किया कतलता आप एक मर्द ने कत्ल किया कतलती आप एक औरत ने कत्ल किया मैंने कतल तू मैंने कत्ल किया जलमत उसने जुल्म किया उस औरत ने जुल्म किया जलमता आपने जुल्म किया आप मर्द ने जुलम किया तू मैंने जुल्म किया इस तरीके से आप वर्ड लगाएं और ये ता 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 एंड में लगाएंगे तो उससे मीनिंग चेंज हो जाएगा ठीक है शरीफ तू शरीबत मैं, उस औरत ने पिया शरीबता आप मर्द ने पिया शरिबती आप औरत ने पिया शरब शरीब तू मैंने पिया नसरत उस औरत ने मदद की नसरता आप मर्द ने मदद की नसरती आप औरत ने मदद की न तू मैंने मदद की ठीक है इस तरीके से आपने वर्ड के एंड में ये जो वर्ड्स लगते हैं उससे मीनिंग चेंज हो जाता है ठीक है हम पढ़ते हैं ना आयत करीमा जो हम पढ़ते हैं इल्ला अंता का इन्नी कुंतुमिनिमी मैं जालिमों में से हूँ तो बिल्कुल भी उसको चेंज करने की कोशिश ना करें क्योंकि कुंतू का मतलब होता है मैं जालिमों में से हूं तू पाक है तेरी जात ला इला इला अंता नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे इन्नी कुंतु बेशक मैं ज़ालिमों में से हूं अगर आप कर दे कुंता नऊ क्या मतलब हो जाएगा तू जालिमों में से और पूरा तर्जुमा चेंज हो जाएगा हा, हा, दुआ हम किसे कर रहे हैं अल्लाह से कर रहे हैं तो सोचे इतना इतना तब्दीली हो जाएगी कुंती है तो आप एक औरत जालिमों में से कुंतु मतलब मैं जालिमों में से हूँ कुंता मतलब आप जालिमों में से ठीक है इस तरीके से तर्जुमा चेंज हो जाता है चले तीनों आयत रिपीट करते हैं इनशाला और वाइंड अप करते हैं बिस्मिल्लाम रहीम आयत नंबर फोर्टी टू और जब और जब कहा फरिश्तों ने मरियम इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह इस दफ़ा चुन लिया कि तुझे व और तहरा पाक कर दिया कि तुझे व और इस्त चुन लिया कि तुझे अला पर, पर अल-आलमीना तमाम जहानों की और जब कहा फरिश्तों ने ए मरियम बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुझे और पाक कर दिया तुझे और पाक और चुन लिया तुझे तमाम जहा की औरतों पर आयत नंबर फोर्टी थ्री बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम या मरियम या ए मरियम मरियम ए मरियम उकनुती तू इताअत कर लिए रब रब और उस जुदी तू सजदा कर व और इरकई तू रुकू कर मासात रुकू करने वालों के ए मरियम इताअत कर अपने रब की और सजदा कर और रुकू कर रुकू करने वालों के साथ आयत नंबर दोनों सही है वो, वो या ये मिन से अम्बा खबरें खबरों में से अलगैबी गैब की खबरों में से नून हम वही वही करते हैं ही उसको इला तरफ का आपकी तरफ व और माँ नहीं आप आप और नहीं थे आप पास हिम उनके पास उनके इस जब या वो लकी रहे थे अकलाम कलम हम उनके उनके कलम उनके पेन अयू कौन हम उनमें से कौन या वो कफला किफालत करेगा मरियमा मरियम की वह और माँ नहीं कुथे ता आप और ना आप थे लदई पास उनके पास इस जब या वो सब झगड़ा कर रहे थे ये गैब की खबरों में से है हम वही करते हैं उसको आपकी तरफ और नहीं आप थे उनके पास जब वो सब डाल रहे थे उनके पेन उनके कलम उनमें से कौन परवरिश करेगा मरियम की

رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وانا النهار واجعله لي يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن جزاكم الامين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته